top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. जी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने जो इतनी खूबसूरत किताब निकाली है। भगत सिंह आज भी युवाओं की प्रेरणा हैं। अभी उन्होंने उनकी किताब में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स पढ़े, स्पेशली दो तीन चीजें जो इमीडिएटली स्ट्राइक करती हैं। भगत सिंह ने कहा कि जिंदा भगत सिंह से ज्यादा भगत सिंह मरने के बाद अंग्रेजी शासकों के लिए ज़्यादा तकलीफदेह होगा। भगत सिंह जी को ये नहीं पता था कि उनके मरने के बाद वो आज के शासकों के लिए भी उतने ही तकलीफदेह होंगे जितने वो अंग्रेजी शासकों के लिए तकलीफदेह बने। उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज दे विल स्प्रेड लाइक अ फ्रेग्रेंस इन द होल इंडियन सोसाइटी एंड दैट फ्रेग्रेंस स्टिल remains in the society as it was when he died. ये जेल नोटबुक में एक्चुअली अगर आप लोगों ने देखी हो उनकी हैंडराइटिंग में सारे नोट्स लिखे हुए हैं, वो उनके जो थॉट्स थे उनके जो वो सारे उनकी हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं और दे हैव बिन रिप्रोड्यूस्ड एज रॉ। इस किस्म की किताब मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी भी सामने आई है। बहुत कम उम्र के अंदर भगत सिंह ने इतना कुछ ज्ञान अर्जित किया, यही दिखाता है कि वो कितने महान व्यक्ति थे और उनकी शहादत और उनके विचार आज भी सभी युवाओं को, सब लोगों को, हम सब लोगों को प्रेरित करते हैं। जैसा भी ब्रार साहब ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस सपने को लेके केवल भगत सिंह नहीं, हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस सपने को लेके उन लोगों ने शहादत दी, बड़ी बड़ी शहादतें दी, क्या वो सपना आज़ादी के बाद पूरा हुआ? प्रश्न तो ये उठता है कि जो सपना उनका था क्या उसका 10% भी आज अचीव हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि वो 10% भी अचीव हुआ जो सपना वो लेके चले थे। और वो सपना एक्चुअली उन सब लोगों का सपना संविधान के प्रियम्बल में बहुत अच्छे से दिया गया है।